नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। अब तक 20,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन इस टेंशनफुल माहौल में सोशल मीडिया के चहितों के लिए एक्सपोज इंडिया लाया है एक्सपोज वायरल, जहां पे हम खबरें आपको बताएंगे कुछ नए अंदाज में। तो एक्सपोज वायरल में आज पहली खबर है गुजरात के सूरत से, जहाँ पे चार भाई बहन अपने गोलक को एक पुलिस स्टेशन में दान कर देते हैं, उसमें 14,000 रुपये होते हैं। ये खूबसूरत तस्वीर गुजरात के सूरत से है, जहाँ पे चार भाई बहनों ने अपने गोलक में जमा किए हुए 14,000 रुपए को पुलिस स्टेशन में दान कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि पुलिस वाले गरीबों को खाना, सैनिटाइजर और मास्क मुहैया करा सके। हैंड वॉश करने के लिए वॉश बेसिन की जरूरत नहीं है, आप देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि कभी कभी कुछ इनोवेटिव सोचना भी ज़रूरी है। मेघनगर की मांडला टोली के बच्चे वेल्डन, ये वीडियो बताता है कि आप अमीर हों या गरीब, लेकिन जो प्रिकॉशन कोरोना में लिया जाता है आप उसे आसानी से ले सकते हैं। ज़रूरी है तो आपका इनोवेटिव सोचना। कोरोना वॉरियर्स लगातार फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, आपके और हमारे लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के LNJP अस्पताल से बहुत ही दुखी करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पे एम्बुलेंस कर्मचारी और नर्सों के बीच जम के झड़प हुई। यहां पे हम नहीं लेंगे, हमारा भरा हुआ है हॉस्पिटल पूरा। तो मैंने बोला सर डॉक्टर की ऑलरेडी बात हो चुकी है किसी से, एक बार आप बात कर लो। तो ये बोलते नहीं नहीं हमें बात नहीं करनी, हमें बात नहीं करनी, सर दूर हो गए। उसके बाद मैंने बोला सर आप देख लो एक बार पॉजिटिव केस है, तो बोल रहे फालतू फालतू के पेशेंट लेके आते हो तुम ये कहने के बाद। सर मैंने बोला फालतू नहीं है, पॉजिटिव केस है, एक बार देख तो लो आप। सर उन्होंने मुझे यूं करके धक्का दिया, पहले मेल डॉक्टर ने, CMO ने हॉस्पिटल के अंदर से, और सर पीछे से दो एक CMO एक डॉक्टर और था मेल, उसने मुझे मारा। सर यहाँ तक मारा, मैंने इन लोगों से भी हाथ जोड़े, मैंने कहा सर जी प्लीज मुझे एक बार फोन दे दो, एक कॉल कर दे, तो मेरा फोन छीन ली, तो सरकारी टैग छीन लिया। और सर ये कौन सी बात होती है कि मेल कोई स्टाफ पर हाथ उठाएगा, वो भी लड़की के ऊपर, इतनी बदतमीजी की जाएगी? यहाँ तक मारा है और हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना पेशेंट ला रहे हैं। सर पॉजिटिव केस ला रहे हैं, कोई सड़क से पड़ा हुआ भी नहीं लेके आ रहे, अपनी जान पर खेल के तो पॉजिटिव केस उठा रहे हैं, ऊपर से ये हॉस्पिटल स्टाफ इतनी बदतमीजी हमारे साथ करेगा। देखे तो सही ड्रेस देखिए ना, किस कदर बदतमीजी की गई है। इस वीडियो में महिला गार्ड के ऊपर आरोप लगाते हुए दिख रही है कि किस तरीके से गार्ड ने उसके साथ मारपीट की है और उसके कपड़ों को फाड़ दिया है। कहती है कि मेल कर्मचारी को क्या अधिकार होता है कि फीमेल को हाथ लगाए। और जो अगला वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं वो भी दिल्ली के LNJP अस्पताल का ही है, जहाँ पे डॉक्टर के सारे स्टाफ एक कंप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, हम LNJP के डॉक्टर्स और स्टाफ इस वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। हम सारे डॉक्टर्स, नर्सेस और तमाम स्टाफ जो इस हॉस्पिटल में काम कर रहा है, हम अपनी फैमिलीज को छोड़कर यहाँ पर कोविड पेशेंट्स के साथ सुबह से लेकर रात तक डील करते हैं, अपनी लाइफ्स को रिस्क करते हैं, सारी फैमिलीज को छोड़कर, उन लोगों को छोड़कर अब जिनसे हम लोग प्यार करते हैं उन सबको छोड़कर हम 24 घंटे पेशेंट्स के साथ डील करना, अपनी लाइफ रिस्क करना, इन सब चीज़ों में हमारा पूरा दिन जाता है। फिर भी हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे परेशानियाँ आ रही हैं हमारे काम करने में। आज ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। आज सुबह 9 बजे से लेकर के हम लोग काम पे हैं, सब लोग 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। आज हमने 120 पेशेंट तकरीबन क्वारंटीन सेंटर भेजे हैं अस्पताल से, और बाकी बहुत सारे पेशेंट को एडमिट भी किया है। आज एक घटना हुई है हमारे साथ, बाहर कैट से एक पेशेंट लेकर के आए दो लोग, उनका पेशेंट को हमने देख लिया था, क्योंकि सारे डॉक्टर काम में बिजी थे इसलिए उन्हें थोड़ी देर वेट करने को बोला गया, लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ, वो डॉक्टर के पास गए, अपना मास्क निकाला और अपना सूट निकाल के डॉक्टर के बहुत करीब आ गए। जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। इस बात पे जब उन्हें दूर किया गया, अपने से दूर करने की कोशिश की गई, तो वो एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया। जब उन्होंने डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया तो हमने लेडी गार्ड को बुलाया, क्योंकि जिसने हाथ उठाया वो एक फीमेल स्टाफ था, कोई जो कैट्स में काम करता था, उसके साथ में एक मेल स्टाफ था जिसने पीछे से आकर के हमारे लेडी गार्ड की गर्दन पकड़ ली और गालियां देना शुरू कर दिया। इस सबको हटाने के लिए जब हमने गार्ड को बुलाया तो उन्होंने गार्ड के साथ भी हाथापाई की और अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ किया, हमें गालियां दी
और बार बार एक ही बात बोले थे कि हमें कोरोना होगा तो हम आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इन लोगों से भी झगड़ा करना पड़ रहा है। वो लोग हमारे साथ आते हैं, मिसबिहेव करते हैं। बहुत टाइम में ऐसा भी होता है कि कभी कभी पेशेंट के अटेंडेंट आके हमारे ऊपर लड़ते हैं, हमसे झगड़ते हैं कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा या कुछ ही बोलते हैं, बट हम पेशेंट्स के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से हम काम करेंगे, हम कोविड को डील करें, कोविड से लड़ें या इन लोगों से लड़ाई करें। देखिए, हमारा अस्पताल पूरा एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, जहां पर हमें दिन रात कोविड से लड़ना होता है। लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ आएंगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा काम करना। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कोविड से लड़ें या इस तरह की दिक्कतों से लड़ें। हर रोज कोई ना कोई ऐसी वीडियो निकलती है जहां पर हम डॉक्टर्स की और हम लोगों के काम की और हमारे अस्पताल की बुराइयां दिखाई जाती हैं। हम अपने काम से में ये सब चीजें इन लोगों से डील करें, इन वीडियोस से डील करें या अपना काम करें। आप प्लीज इस चीज को समझें और आप हमारा भी नजरिया देखें और हमारी प्रॉब्लम्स को समझें। एक बार हमारे नजरिए से भी देखिए कि हम कैसे माहौल में काम कर रहे हैं। हमारे पीछे भी फैमिलीज हैं, परिवार है, उनको छोड़ करके हम सुबह से शाम या शाम से सुबह तक यहाँ पर खड़े होते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए। और अगर वो लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो फिर काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारा नजरिया भी समझिए और इसमें हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। स्टे एट होम, बी सेफ। एक्सपोज वायरल का आखिरी वीडियो स्पेन से है, जहाँ पे भारत से पूरी तरह से अपोजिट वहाँ पे होता है। यदि कोई डॉक्टर पेशेंट को जब हॉस्पिटल में लेके आता है तो डॉक्टर्स को इनकरेज और मोटिवेट किया जाता है, उनके ट्रीटमेंट के लिए तालियों के साथ स्वागत किया जाता है। देखिए आप इस वीडियो को। आपकी जिंदगी की उदासी एक्सपोज इंडिया यूं ही दूर करता रहेगा। हम आपके लिए लाते रहेंगे एक्सपोज वायरल। तब तक के लिए एक्सपोज इंडिया में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.